हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो मैं हूं आपका दोस्त आकाश पड़े और संस्कार दानी छुरे के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जबलपुर की एक और प्लेस को कवर करने के लिए जा रहे हैं। तो फटाक से पहले हम रेडी होते हैं, इसके बाद हम मॉडल ब्लॉगिंग में मिलते हैं और बताते हैं हम आज कहाँ जा रहे हैं। और अभी जा रहे हैं हम, पहले तो हम शूज पहनते हैं और ये हमारी जैकेट, गोप्रो सेटअप और ये हमारा इसमें एक्चुअल में इसमें ना कैमरा बस है, ड्रोन नहीं है। चलते हैं यहाँ से, बहुत दिनों बाद ग्लव्स पहन रहे आज। मतलब क्या है ना कि उमस ज़्यादा है और ये वाली धूप ना अपन को ना दिक्कत कर देती है, हाँ तो मैं प्रॉब्लम कर देती हैगी। तो अभी ऐसा है कि यहाँ से बस निकलते हैं। ओ वेरी डेंजरस भाई, ऐसे लोगों से तो दूर ही चलो। कब कौन सी जो रॉड है ना, कब पीछे आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। सो गाइस, निकल चुके हैं फिर से अपने मोटो ब्लॉगिंग के सफर में और आज हम जबलपुर के तीन स्पॉट को कवर करने वाले हैं। पहला रहेगा हमारा त्रिपुर सुंदरी, दूसरा रहेगा हमारा चिंतामणि, हनुमान जी के मंदिर जाने वाले हैं जो कि बहुत प्यारा स्पॉट है, और तीसरा होने वाला है हमारा केदारनाथ मंदिर। येलो 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 भाई साहब, स्पॉटी बॉय कैसे हो? So guys, सही पहुंच गए अपने मोटा भाव के पास। सबके ना दिल से दिल मिलते, हमारे पेट से पेट मिला ना सरन, हमें ऐसे घूमने जाना। तो कहाँ चलना है पहले? अपन को त्रिपुरी सुंदरी चलना है। पहले त्रिपुरी सुंदरी चलते हैं, देन इसके बाद चिंतामणि हनुमान जी दर्शन करने चलेंगे, देन इसके बाद महादेव के दर्शन करेंगे। महादेव का 5 बजे खुलता है, 5 बजे तक अपन फ्री हो जाएंगे। हाँ, अपन जरूर चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी हो जाएंगे। बेसिकली 6 घंटे हैं अपने पास, आराम से घूमेंगे। आज अपना देखो, संडे फंडे लोग जाते हैं वॉटरफॉल इधर उधर, मगर अपन कट्टर सनातनी है तो सनातन मंदिर दिखाएंगे भाई। बढ़िया, मंदिरों को बताएंगे सबको कि हमारा हर महादेव, हर महादेव जैसे। तो भाई कौन जा रही है? 3 करोड़ की कार जा रही है। 3 करोड़? अरे भाई रूबी कौन है इसका, छोटा भाई को प्यार अपन घर ज्यादा करते हैं, थार को। तो भाई की गाड़ी देखो कितनी प्यारी लग रही है, और अपनी गाड़ी भाई कोई बात नहीं यार। अरे यार कोई बात नहीं, अपने पास भी आएगी अच्छी गाड़ी। अच्छी तो है यार। अरे कोई बात नहीं, भाई की ड्रीम थी, ले लिया, अपने भी ड्रीम है। बहुत जल्द रहेंगे, बहुत जल्द, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, तभी तो आएगी। तो चले पहले, चलो चलते। तो यशराज भाई और मैंने एक साथ देखो और राइड किए थे। सो सामने देख रहे हैं वो पहाड़ है, और उस पहाड़ के ऊपर जबलपुर का एक लौता किला, और उसे कहते हैं रानी दुर्गावती का किला। तो उसको भी हमने एक्सप्लोर किया था। सो ऊपर आई वेल में जाइए और देख लीजिए अपना बहुत प्यारा ब्लॉग। ऊपर देख रहे ना, ये है देवभूमि। तो ये है देवभूमि, हमने यहाँ का भी एक ब्लॉग बनाया था, बहुत प्यारा ब्लॉग था, ड्रॉइंग शॉट थे, सिनेमैटिक था और भाई ब्लॉगिंग थी, बहुत मज़ा आया था। यहाँ पे भी ऊपर आई वेल में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर चल रही है तगड़ी चेकिंग, जिसके पास हेलमेट नहीं है वो देगा तगड़ा चलान भी। लो हम पहुँच गए हैं बाईपास, भेड़ाघाट बाईपास, और ये सीधा भोपाल रोड भी निकलता है। तो त्रिपुर सुंदरी जाने के लिए आपको यहाँ से रास्ता मिलता है। कितना बदल गया है हमारा जबलपुर, और बदलता जाएगा जबलपुर। सो गाइस, अभी पहुंच गए हैं, ये है यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिपुरी धाम सुंदरी। सो गाइस, अभी पहुंच गए हैं हम त्रिपुरी सुंदरी धाम हथियागढ़ के पास में। तो ये जो बेसिकली मैं बात करूँ, जो अपना त्रिपुरी सुंदरी धाम है वो हथियागढ़ के पास में पड़ता है। सो मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये है त्रिपुरी सुंदरी के, यहाँ पे आपको बोर्ड मिल जाता है। जैसे आप तेवर क्रॉस करके आप ओवर ब्रिज से क्रॉस करते हैं ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे बोर्ड पड़ता है। सो बोर्ड से यहाँ पे ना 1.5 किलोमीटर आपको ना अंदर चल के लेफ्ट हैंड में मुड़ना पड़ता है। सो अब चलते हैं सीधा हम अंदर। सो गाइस, थोड़ा सा ही आगे आते हैं आपको 200-300 मीटर ना, सो आपको यहाँ पर माँ त्रिपुर सुंदरी का यहाँ पे
एक गेट मिल जाता है, सो अपन को यहाँ से अंदर चलना पड़ता है। यहाँ से मोस्टली अपन को 1 किलोमीटर अंदर तो यहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं सुरक्षा को लेकर। तो हम पहुंच गए हैं गाइस त्रिपुर सुंदरी माता के दर्शन करने के लिए। माँ पीताम्बर बंगला मुखी मंदिर भी आपको यहाँ पर देखने मिलता है और यहाँ पर भाई दुकानें भी हैं। वाहन का निशुल्क पार्क, कोई पैसा नहीं लगता है यहाँ पर। सो गाइस अभी आ चुके हैं, गाड़ी यहाँ रख दी है और सामने मंदिर है और अपनी भी गाड़ी यहाँ रख चुकी है। सो बेसिकली ये बोलते हैं कि अंदर ब्लॉगिंग करना मना है, परंतु जितने भी स्पॉट है ना, हम सभी स्पॉट को हम कवर करेंगे। कवर करने के साथ साथ आप लोग यहाँ पे इतिहास भी जो है ना, जो वही बताएंगे। अगर जो त्रिपुर सुंदरी माता जी हैं, इनका क्या है इतिहास भी है, सब कुछ लेके बताएंगे। तो गाइस अभी यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप मिल जाती हैं प्रसाद के लिए, सो यहाँ से हम लोग अभी प्रसाद ले रहे हैं। हालांकि एक गेट यहाँ से है पर यहाँ से निकलने का है और आगे से जाते हैं तो वहाँ से अपन को प्रवेश करना पड़ता है, यहाँ से काशी द्वार है। सो गाइस अभी चलते हैं अंदर की ओर और काफ़ी भीड़ हो चुकी है। सो पता नहीं अभी अंदर ना वीडियो बनाने के लिए अलाउ करते हैं कि नहीं। सो बेसिकली अभी चलते हैं अंदर की ओर और अच्छी खासी लाइन लग चुकी है। बोलते हैं कि अभी 12:30 बजे गेट खोले हैं, 1 घंटे हमने वेट किया था। सो बोलते हैं कि पहले ना अभी यहाँ पर ना माता जी को ना भोग चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाने के बाद 12:30 बजे और यहाँ पर पट खुल जाते हैं। तो पट बेसिकली अभी खुल चुके हैं तो अच्छी खासी यहाँ पर लाइन देखने को मिल जाएगी। बेसिकली बोला गया है कि गर्भगृह के अंदर जो माता जी की है ना, उनको फोटो खींचना अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ की वीडियो भी अलाउ नहीं है। तो गर्भगृह की देखते हैं, थोड़ी सी झलक बस दिखा देंगे। माता जी का अच्छे खासे दर्शन तो अच्छे खासे हो गए हैं, हालांकि वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। साफ तौर पर बोले पहले मना करते थे कि वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वहाँ पे वीडियो बनाना नहीं है, परंतु एक झलक तो जरूरी है, आप लोगों को दिखाना जरूरी है। और जैसे आप थोड़ा सा बाहर आते ना तो आप यहाँ पर ना हवन मिल जाता है, हवन के साथ साथ आपको हवन कुंड यहाँ पर है, देख सकते हैं आप पीछे हवन कुंड है और हवन कुंड के साथ यहाँ पे बरगद का पेड़ भी है और कुछ इस तरीके से प्लेसेस है। और यहाँ पर आपको 2-3 और वहाँ पे मंदिर मिलेंगे, आपको भगवान जी के दर्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे एक मतलब भैरव बाबा है, भैरव बाबा के दर्शन हो जाएंगे। तो और भी चले लेके चलते हैं। हाँ तो गाइस अभी ऐसा है कि हमारे दर्शन तो हो गए हैं और बोला जाता है कि 5-6 हज़ार साल पहले ना, जब द्वापर युग के जो कर्ण थे, महावीर कर्ण थे, वो बहुत बड़े दानी थे और जितने भी भक्त थे माँ त्रिपुर सुंदरी जी की, उनकी भक्ति में जो लीन रहते थे, उनकी ना सेवा करते रहते थे। तो उसी ने ऐसा हुआ था कि उनको ना माँ त्रिपुर सुंदरी जी ने उनको एक वरदान दिया था कि तुम्हारी जो तिजोरी रहेगी हमेशा सोने से भरी रहेगी। तो उनका मानना तो चलो ठीक है, उन्होंने ये बोला था कि जिस तरीके से मैं आपके लिए अर्पित रहता हूँ, भक्ति भाव से सेवा करता रहता हूँ, आगे आने वाले समय पर जिस तरीके से मैं भक्त हूँ और मेरी तिजोरी हमेशा भरी रहती है, तो क्या आगे आने वाले जितने भी भक्त रहेंगे उनकी मनोकामना पूरी होगी। तो माँ त्रिपुर सुंदरी से उन्होंने आज्ञा अनुसार ये भी वरदान के लिए मांगा था कि जो भी आपके जो नारियल चढ़ाएगा, ब्रेड चढ़ेगा, वो नारियल चढ़ाएगा तो उसकी मनोकामना पूरी होगी। तो इसलिए इसलिए आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाखों की तादाद पर यहाँ पर आपको करोड़ों की तादाद में आपको ना यहाँ पर नारियल यहाँ पर बंधे हुए मिलते हैं। इसलिए जिसकी भी मनोकामना होती है वे यहाँ पर आके नारियल बांध के जाता है। और आप भी आइए, अगर आप जबलपुर आप बाहर से हो, आप टूरिस्ट हो, तो बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा टेम्पल है, आप आइए माता रानी के दर्शन कीजिए। और
जय माता दी कमनो जरूर, हर हर महादेव जय श्री राम जरूर लिखना। तो अभी कौन से मंदिर चल रहे हैं? अभी अपन जा रहे हैं बंगला मुखी। बंगला मुखी, चलो ठीक है। वैसे की तो मैं बात करूँ यहाँ पर तो इनको नाम से माँ जगदम्बा, जगदम्बा के और भी नामों से यहाँ पर पुकारा जाता है। और बेसिकली आपको यहाँ पर ना दुनिया में ये प्रतिमा कहीं नहीं मिलेगी जो आपको त्रिपुरी वर्ल्ड में एक ही है, एक ही है वो जबलपुर में तेवर के पास। सो गाइस अभी आ चुके हैं श्री पीताम्बर बंगला मुखी मंदिर के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर थोड़ा बहुत चढ़ना पड़ता है, स्टेप्स हैं, सो कम से कम 4,500 स्टेप चढ़ना पड़ता है। और चलो चलते हैं, मेरे दर्शन करते हैं। सो गाइस अभी आ चुके हैं, दर्शन कर लिए माता जी के, माँ बंगला मुखी के। एंड ये पूरा परिक्रमा लगाने के लिए यहाँ पर पूरा पाथ दिया गया है, पाथ बनाया गया है। सो बढ़िया पाथ बनाया है यहाँ भी। और बोलते हैं कि यहाँ भी जो भी श्रद्धा भाव से आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। सो एक बार यहाँ पर जरूर आइए। और यहाँ पर पेटी वेटी भी रखी पक्का, यहाँ पर सीताराम सीताराम की जरूर पक्का होती होगी। चलो एवरीवन यहाँ से चलते हैं। मतलब मज़ा आ गया, दर्शन अच्छे हो गए। और संडे था, संडे के दिन मोस्टली सभी की छुट्टी रहती है। ये मतलब अपनी छुट्टी तो ऐसा है गाइस कि छुट्टी ही छुट्टी है ना। अपने कोई ऑफिस जाना है ना, किसी के अंडर में ऑफिस जाना है ना, खुद का ऑफिस है, अपना ऑफिस है ये गाड़ी। इस गाड़ी में बैठो और धामी धाम यात्रा करो। तो ये अपना ऑफिस है, सब कुछ यही है। तो गाइस अभी चलते हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे, क्योंकि ना अभी डिहाइड्रेट ज़्यादा हो रहा है बॉडी, क्योंकि पानी भी नहीं पिए और कुछ पीने के लिए भी चाहिए जूस। तो अभी आ चुके हैं मेन रोड पर और यहाँ पर कहीं गन्ने का जूस मिलता है तो गन्ने का जूस पियेंगे। एक काम करें, बाईपास के पास पीते हैं। चलो बाईपास में है ना, चलो अपने साइड में आते हैं और आगे से क्रॉसिंग आ जाओ। चलो गाइस, तो अभी आ चुके हैं बाईपास, ये नागपुर बाईपास, और यहाँ सीधे निकल जाते हैं भोपाल। सो अभी ऐसा है ना, बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, गर्म के साथ भाई ठंडा पानी पीना पड़ रहा है, पर वेट करके रुक के पी रहे हैं, जिसमें कि ज़्यादा सर पेन होने लगेगा, हेडेक होने लगेगा। क्यों हसराज भाई, सही बात है, गर्मी तो फटे से और ऊपर से और ऊपर से ये पहन के आए हैं अपन भाई, क्या करें, सेफ्टी भी ज़रूरी है ना। सेफ्टी जरूरी है इसलिए पहन के आते हैं, सेफ्टी जरूरी है इसलिए बूट पहन के आते हैं, सेफ्टी जरूरी है इसलिए हेलमेट पहन के आते हैं, सेफ्टी जरूरी है इसलिए अच्छी बाइक में चलते हैं। और पर क्या चाहिए, हेलमेट पहनो, हेलमेट ग्लव्स तो सब, अरे ग्लव्स, हाँ यार ग्लव्स भी रखे हुए हैं, हाथ जरूरी है, कुछ पकड़ पाएंगे क्यों, कैसे पकड़ पाएंगे, सुरक्षित रहेंगे, इसलिए ग्लव्स जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। बुंडा उंडा खाते हैं यार, बनने का जूस तो मिल नहीं रहा है। अभी डिसाइड किए हमने कि हम जा रहे हैं कहाँ, इंडियन कॉफ़ी हाउस, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे थोड़ा डोसा वोसा खाते हैं और कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस जगह हम जाने वाले हैं फिर से ना वहाँ पे 5 बजे मंदिर ओपन होता है, सो टाइम स्पेंड भी करना है, तो लेट्स गो। अभी आ चुके हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस। तो यार गर्मी के मद्देनज़र रखते हुए ना हम सोचे कि इंडियन कॉफ़ी हाउस में आराम से 1-1.5 घंटा बैठेंगे और यहाँ पे आराम से डोसा भी खा लेंगे। हाँ यहाँ पे डाल दो इंडियन द कॉफ़ी हाउस। तो गाइस अभी आ चुके हैं हमारा डोसा, ये मैसूर डोसा है और ये मसाला डोसा है। चलो गाइस फटाफट खाते हैं डोसा, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है। और सबसे अच्छी बात है ना, हम लोग ऐसी जगह पे बैठे हैं ना, हाय 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 मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम आज का अपना ब्लॉग कंप्लीट करते हैं, ये वाला ब्लॉग कंप्लीट करते हैं। सो आई होप कि आज का ब्लॉग जो हमारा ये जिस त्रिपुर सुंदरी वाला जो ब्लॉग था आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जीबीपी स्काई ब्लॉग, और साथ में अपने यशराज भाई का ये ब्लॉग है और ऐसे फिल्म्स। सो हम भाई बहुत मेहनत लग रही है, कंटेंट ढूंढ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं भाई। चैनल सब्सक्राइब लाइक कर देना और लिख देना जय श्री राम हर हर महादेव। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। एंड ये दुनिया की सबसे बड़ी सेकेंड नंबर पे आती है सैडल कॉक है।